हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्लाज्मिड है PBR-332, ये हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड था। इसमें हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर ही हमारे, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो इसमें आपने हमने बताया था कि इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होती हैं, लेकिन कोई भी एंडोन्यूक्लियस साइट जो होती हैं वो रिपीटेड नहीं होती हैं। यानी एक एंजाइम केवल एक जगह से ही कट लगा सकता है। हर एंजाइम अलग अलग और हर साइट के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ठीक है। मार्कर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एक ओराई साइट होती है और एक आपकी आरओपी साइट होती है। इसके अलावा PBR-332 के अलावा और भी प्लाज्मिड डिस्कवर किए गए हैं। जैसे पहला आपका प्लाज्मिड, दूसरा है आपका PUC प्लाज्मिड ऑफ प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया में डिस्कवर किया गया था। इसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं वो LAG-Z जीन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें एज यूजुअल जो इनके कॉमन फीचर्स हैं वही रहेंगे। TI प्लाज्मिड में एक नेक्स्ट प्लाज्मिड है आपका TI प्लाज्मिड। TI मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग, T फॉर ट्यूमर, I फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन से इसको आइसोलेट किया गया था। इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये प्लाज्मिड क्या करता है, जो आपका प्लांट होता है मेनली इट इस प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में ये ट्यूमर कॉज करता है। होस्ट जो प्लांट का DNA है, प्लांट के DNA से बाइंड होगा और सेल डिवीजन को इंड्यूस कर देता है। तो सेल डिवीजन इंड्यूस करने की वजह से TI जो प्लाज्मिड होता है उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड उसको कहते हैं। तो मेनली इसका फंक्शन ये है कि ये सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, इंड्यूस कर देता है। और इस प्लाज्मिड को केवल हम प्लांट में ही ये एक्टिव है। एनिमल के केस में ऐसा इसका कोई फंक्शन नहीं डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। इसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन से डिस्कवर किया गया है। बैक्टीरियोफेज भी एज अ प्लाज्मिड की तरह यूज़ किए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज में लैम्डा फेज जो वैरायटी है इसमें आपको एज अ प्लाज्मिड यूज़ करते हैं इसको। उसके अलावा अगर हमें और ज़्यादा बड़े सेगमेंट्स समय करने हैं, जैसे सपोज़ आपका जो आपका PBR है वो 2200 बेस पेयर ही ऐड कर सकता है, या उसमें हम ऐड कर सकते हैं डिज़ायर्ड DNA सेगमेंट का। अगर हमें और ज़्यादा ऐड करना है तो हम YAC यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ज़्यादा बेटर है। इसमें ज़्यादा मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जो DNA इंसर्शन की जो इंसर्ट डिज़ायर्ड जो जीन होता है जिसको इंसर्ट करते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लार्ज जीन जो है इंसर्ट कर सकते हैं डिज़ायर्ड जो जीन होता है। उसके अलावा आपका कॉस्मेट दो वर्ड से बना है, कॉस और प्लाज्मिड। मीन्स आपका जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का MID वर्ड लिया गया है और कॉस मेनली क्या होता है, ये एक्चुअली 200 बेस पेयर लॉन्ग बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं कॉस, जो कि बैक्टीरियोफेज में मेनली प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करने का काम करते हैं। तो कॉस्मेट मेनली इसमें कॉस और प्लाज्मिड से कंबाइन किया गया है। इसमें कॉस में मेनली स्टिकी एंड प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं अपना जो डिज़ायर DNA होता है, ठीक है। फेज़मेट आपका वही फेज बैक्टीरियो फेज का फेज लिया गया है और प्लाज्मिड का MIDS लिया गया है। तो फेज़मेट यानी बैक्टीरियो फेज वायरस का जो हम DNA या जो डिज़ायर जीन सेगमेंट होता है उसको हम प्लाज्मिड में ऐड करते हैं। तो मेनली ये जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड से प्रिपेयर किया जाता है। कमर्शियली जो है नॉर्मली जो यूज़ करते हैं कमर्शियली पर्पस पे जो प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है मेनली वो PUC है और PBR-332 है, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट बात आती है कंप्टीटेंट होस्ट कौन से हैं, यानी किसमें हम जो है अपना जो डिज़ायर्ड जीन होगा उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपको पहले बताया था हमने कि जैसे ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्लाज्मिड में हम ऐड करते हैं। तो सपोज़ इतने पार्ट में हमने ऐड कर दिया और फिर इसको ले जाके हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा प्लाज्मिड है, इसके साथ हमने कंबाइन किया है, इसको हम RDNA कहते हैं। और इसको जब इंट्रोड्यूस करेंगे जिस भी एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमें रिप्लिकेटिंग कॉपीज़ मिलेंगी, उसको हम सिंपली कहते हैं आपका होस्ट, ठीक है। तो कंपटीटेंट होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हम यहाँ पे कौन कौन से होस्ट ले सकते हैं जिसमें हम अपना डिज़ायर्ड जो सेगमेंट होता है उसको हम ऐड कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि सिंपली जैसे तो हमने प्रोकैरियोटिक में हम मोस्टली इकोलाई यूज़ करते हैं
यूकैरियोटिक में हम एनिमल सेल या प्लांट सेल या फंजाई यीस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं, नॉर्मली क्या होता है सेल का हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज दिस वन इज़ आपकी जो हॉस्ट सेल है इसमें हम इंट्रोड्यूस कराना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम रिमूव कर देते हैं। तो व्हेन वी रिमूव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पार्ट इज सिंपली नोन एज प्रोटोप्लास्ट। जब हम सेल विदाउट सेल वॉल, यानी सेल को अगर सेल वॉल से हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं सेल से, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल को क्या करते हैं पहले, और क्या मेथड है इसके, डाइवेलेंट आयन, मोस्टली जैसे हम कैल्शियम आयन यूज़ करते हैं, तो उससे सेल की जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ईजिली जो है जो हमारा प्लाज्मिड है वो अंदर एंटर कर सकता है, इसे अंदर ले जाने में, उसको बाहर निकालने में जो है ईजिली मेम्ब्रेन से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज कर देते हैं। परमिएबिलिटी चेंज करने के लिए या तो हम डाइवेलेंट आयन यूज़ करेंगे या फिर हम शॉक ट्रीटमेंट देंगे। शॉक ट्रीटमेंट के केस में क्या करते हैं, पहले उसको बहुत आइस पे रखेंगे, उसका सडनली उसका टेम्परेचर हम 42 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है और जो हम डिज़ायर्ड हमारा आरडीएनए कॉम्बिनेशन हमने जो बनाया है उसको हम प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी हॉस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली मेथड होते हैं कि या तो डाइवेलेंट आयन यूज़ करके हम परमिएबिलिटी चेंज करके उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं हॉस्ट के अंदर, या फिर हम शॉक ट्रीटमेंट देके उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मेथड, ओके, सो दिस कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनमें हम विदाउट वेक्टर यूज़ करते हैं, वेक्टर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जिसमें विदाउट वेक्टर के ही हम हॉस्ट में अपना डिज़ायर्ड जीन जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो उन मेथड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप इसको पढ़िएगा और फिर जो भी प्रॉब्लम हो फिर पूछिएगा। थैंक यू क्लास।